आम आदमी पार्टी नेता घरे ईडी रेड तबे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत सचिव वैभव कुमार को घरे चढ़ाव करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता को घरे भी ईडी रेड करिछि। दिल्ली रे 12टी स्थान रे एककालीन चढ़ाव करिछि ईडी। जलसंपद विभाग रे व्यापक घोटाला मामलें ईडी एही रेड करुछि। दिल्ली जल बोर्ड रा पूर्वतन अध्यक्ष सलाफ कुमार को घर सहित अन्य किछि नेतांक घरे भी रेड करिछि ईडी। दिल्ली समेत चंडीगढ़ एवं वाराणसी में किछि स्थान रे रेड होइछि। एही रेड को नहीं प्रतिक्रिया रखिछि आम आदमी पार्टी। दिल्ली रा मंत्री अतिशी एही रेड को नहीं आमे डरिबु नाही बोली कहिछन्ति। एबे जाय गोटिए टंका भी जबत करि नाही ईडी, तबे गोटिए हेले भी प्रमाण भी पाई नाहंति। ये क्या प्रयास है ईडी का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं